நஹ்மதுஹு வ நஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம் அம்மா பாத் ஃபவுஸ் பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் दिल से चाहने वालों को हिडन डायमंड्स की तरफ से महफूज हुसैन सिद्दीकी का अस्सलाम वालेकुम। बखैर अगले में प्रोग्राम औरत हूँ तो क्या हुआ का सातवां प्रोग्राम आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। और औरत हूँ तो क्या हुआ, औरत हूँ तो क्या हुआ, सैमसन जावेद साहब की एक नज़म मेरे जहन में आ रही है, शायद इसी में जो है तो आपको जवाब भी मिल जाए कि औरत हूँ तो क्या हुआ। और आज मेरी जो रिस्पेक्टेबल गेस्ट भी हैं उनके साथ साथ अभी तक मेरे प्रोग्राम्स का जो जितनी भी फीमेल्स हिस्सा बन चुकी हैं उनको डेडिकेट भी करूँगा। और आई थिंक आज की जो गेस्ट हैं शायद बल्कि यकीनन ये नज़म उन्हीं के बारे में ही होगी। सैमसन जावेद साहब लिखते हैं कि औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं, औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं, कायनात है जिस्म अगर तो कायनात की जान हूँ मैं, जर्रा हूँ पर अपने अंदर एक अनमोल जहान हूँ मैं, औरत हूँ इंसान हूँ मैं, अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं, अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं, मादर भी मैं दुख्तर भी मैं, मादर भी मैं दुख्तर भी मैं, इज्जत हूँ और मान हूँ मैं, आने वाली सब नस्लों को देती अपना ज्ञान हूँ मैं। और ए दुनिया के दानाओ मत समझो नादान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। और डियर व्यूवर्स आज वही हिम्मत की चट्टान मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं एज असिस्टेंट एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा समीरा सबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैडम? ठीक ठाक, खैरियत? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही बात कहूँगा कि एज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और मेरे साथ मेरे बराबर बैठी हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। मेरे छोटे से चैनल को आपने इतनी इज्जत दी, अपने टाइम में से वो निकाला, अपने वक्त निकाला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर अक्सर आपके वो पिक्चर्स और आपका इतना बिजी शेड्यूल देखता रहता हूँ, मतलब तो प्रोग्राम का तो आपको पता है औरत हूँ तो क्या हुआ, आपने इंट्रो में भी सुन लिया होगा, तो बताइएगा अपने बारे में फ्रॉम द एजुकेशन, मतलब बाय बर्थ और जो इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी है यहाँ आप हैं, थोड़ा सा मुझे स्टार्ट से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम समीरा सबा है और एजुकेशन मेरी थ्रू आउट जो है वो पेशावर में ही रही है। मैंने म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज स्कूल से जो है वो मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल की, सही। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिटी गर्ल्स कॉलेज गुलबहार से मैंने एफएससी की, माशाल्लाह। और आफ्टर दैट मैंने बीएससी जो है वो फ्रंटियर कॉलेज से की। बीएससी के बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया पेशावर यूनिवर्सिटी में, मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया। फिर उसके बाद मैंने एडवर्ड्स कॉलेज में ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर, 6-7 साल ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। अच्छा, केमिस्ट्री लेक्चरर एज अ टीचर थी आप? जी जी, मैं बिल्कुल वहाँ पे टीचर थी, लेक्चरर थी मैं, सही। फिर उसके बाद जो है 2018 में मैं अपेयर हुई फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीएमएस में, और फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया। मेरा यही सवाल था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर मैं सिविल सर्विसेज में आ गई और 2018 के बाद 2020 में मेरी फर्स्ट एलोकेशन हुई यहाँ पे। ओके। इससे पहले मैं हायर एजुकेशन में सर्व कर चुकी हूँ। ओके। तकरीबन 6 महीने वहाँ पर मैंने सर्व किया एज अ सेक्शन ऑफिसर, और अभी ये मेरा छोटा महीना है यहाँ पे एज एन एडिशनल एसी मैं पेशावर में काम कर रही हूँ मतनी तहसील में। ओके मैडम, अपने फैमिली बैकग्राउंड का थोड़ा सा, मतलब जिस वक्त आपने तालीमी सफ़र शुरू किया था, जी जी। आपके फादर मदर बहन भाई, मतलब उस वक्त क्या हालात थे, कैसे आपने मतलब पढ़ा, क्योंकि यू बिलोंग टू चरसदा आई थिंक, जी जी, तो ये थोड़ा सा जी व्यूअर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मतलब बहन भाइयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ। मेरी बड़ी बहन जो है वो फार्मासिस्ट है। अच्छा। और छोटी बहन जो है वो लॉयर है बाय प्रोफेशन, माशाल्लाह। और हम 3 बहनें, हमारा एक ही भाई है और वो भाई, अच्छा, जो है वो सबसे छोटा है, सही। तो बचपन से ही मेरे अंदर शायद ये चीज़ थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, एक मतलब एक बंदे के अंदर ये होती है कि बस ये चीज़ होती है कि नहीं, मैंने खुद जो है वो अर्न करना है, मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ या खड़ा हो जाऊँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी कि नहीं, मैंने खुद इंडिपेंडेंट बनना, सही, है, सही। मैंने स्ट्रगल करनी है, मैंने अपना एक नाम बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा जो थे वो मस्कत उमान में थे, उन्होंने तकरीबन 30-35 ईयर्स वहाँ पर जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी वहाँ पे, वहाँ से वो रिटायर्ड होके वापस आए हैं पाकिस्तान, सही, में, सही। और मेरी मदर जो हैं वो टीचर हैं, अभी भी वो जॉब कर रही हैं इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल में एज अ हेड टीचर वो परफॉर्म करी अपनी ड्यूटीज। अच्छा, माशाल्लाह। तो बड़ी बहन है, छोटी बहन है और एक भाई है हमारा, सही।
तो जैसे ही मैंने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया, मेरे अंदर ये चीज़ थी कि नहीं, मैंने स्ट्रगल करनी है और मैंने अपना एक नाम बनाना है, मैंने आगे जाना है। मैंने छोटे लेवल पे शुरू किया, लेकिन मैंने खुद अर्निंग स्टार्ट की। मैंने छोटे स्कूल्स में जाके या ट्यूशन वगैरह बच्चों को ये पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैंने मास्टर्स कम्प्लीट कर लिया, मास्टर्स के साथ मतलब एजुकेशन तक मैं साथ साथ पढ़ाती रहती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, या जो मेरा सेशन ऑफ होता था उसमें मैं स्कूल्स में टीचिंग करती थी, प्राइवेट स्कूल्स में। तो जब मैंने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद जब मैं एडवर्ड्स कॉलेज गई और वहाँ पे मैंने टेस्ट दिया, तकरीबन 200-250 बंदे थे उनमें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, चूँकि वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था टीचिंग का, तो मेरी फ़र्स्ट जॉब में भी एलोकेशन हो गई थी। और वहाँ पे बाय द एज ऑफ 22 मैंने अपनी प्रोफेशनल प्रॉपर लाइफ स्टार्ट की, क्योंकि एडवर्ड्स कॉलेज भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत प्रेस्टिजियस कंसिडर होता है और एक हिस्टोरिकल कॉलेज है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी मेरे ऊपर जो है काफ़ी ब्लेसिंग्स थी अल्लाह की शुरू से। तो फर्स्ट उसमें भी मेरा वहाँ पे एडवर्ड्स कॉलेज में जो है मैंने जॉब शुरू कर ली। माशाल्लाह। फिर एडवर्ड्स के साथ मैंने अपनी रूटीन इतनी टफ रखी कि मुझसे अक्सर लोग पूछते थे कि आपकी सोशल लाइफ है ही नहीं, आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते। तो ये था कि ठीक है, वो कुछ अरसा मैंने टफ टाइम गुजारा, मैंने अपनी सोशल लाइफ भी ख़त्म की, लेकिन उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने मुझे शेप में दिया। मैडम, मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ, मेरे ख्याल में आप जैसी बाहिमत खवातीन पर ही ये शेर बना है कि राह तलब में जज्बा है कामिल हो जिसके साथ, राह तलब में जज्बा एक कामिल हो जिसके साथ, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। इन्होंने ना दिन देखा ना रात। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि कौन कहता है कि बेटियों की पढ़ाई, बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। मैडम के वालदैन को सल्यूट है कि सात समंदर पार होते हुए उन्होंने इनको सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट है कि चाहे वो टेलीफोनिकली इनकी हिम्मत बढ़ाते रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ ऐसे वालदैन को, और यही मेरे प्रोग्राम का मकसद भी है कि ये देखें अल्लाह ताला ने इन्होंने हिम्मत की है, मेहनत की है, बींग अ फीमेल कहाँ बैठी हुई है अल्लाह ताला ने इनको, और ख़ुद ये बयान करिए कि कहाँ कहाँ इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, कि और जहाँ भी इन्होंने अटैम्प्ट किया है ये इनकी मेहनत है। तो बिल्कुल मैडम, ये हमारे व्यूवर्स को ये आई डोंट नो कि क्यों बाज लोगों को अभी भी नहीं जी लड़कियों की तालीम और लड़कियों की जॉब और ये नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में। अच्छा मैडम, जब थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस वक्त आप प्रैक्टिकल लाइफ में थी या तालीमी जो आपका जिस वक्त सिलसिला चल रहा था, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स या नेबर्स या जानने वाले दूर करीब के कोई भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस किस्म का कुछ रिएक्शन? हर फैमिली में होते हैं में भी होते हैं, बाहर लोग भी होते हैं, इवन हर जगह पे, हर स्टेज ऑफ लाइफ पे ये बात कही गई थी कि फीमेल्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बस इनको घर पे ही बिठाएं और ये तालीम जो ये लड़कों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मतलब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और मैंने खुद ये चीज़ प्रूव की है अपनी फैमिली के सामने, अपने रिलेटिव्स जितने भी थे इर्द गिर्द के लोग, उन सब के लिए, इवन मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं एक एग्जांपल मैंने सेट किया है कि वो देख महसूस करते हैं और खुश हैं बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह। तो उस वक्त थे ऐसे बिल्कुल आपके, मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि किसी ने आपको या आपके पेरेंट्स को ये कहा हो कि ये आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरू में बिल्कुल ऐसे ही था। अभी वो लोग मौजूद हैं, खुद प्राउड फील कर रहे हैं इस बात पे और फख्र से हर जगह पे ये बताते हैं। मेरी कज़न है, मेरी जिनके मैं रिश्तेदार नहीं भी हूँ वो भी बता देते हैं, वो भी बताते हैं कि ये इस तरह। मुझे इन लोगों पे हैरानी उस वक्त, फिर यार आपको ये तो वही बात हो, ये मुनाफ़िकत मेरे ख्याल में शायद, खैर अल्लाह उन लोगों को हिदायत दे। और अभी कितना अरसा हो गया आप यहाँ एज अ मतलब? सर 2020 में हमारी एलोकेशन हुई थी, 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2020 में हम क्वालिफाई करके हमारी प्रॉपर एलोकेशन हो गई थी। 2020 के बाद हमने 18 महीने ट्रेनिंग की है, PMS की ट्रेनिंग इधर पेशावर में की है, फिर उसके बाद फर्स्ट जॉब मेरी हुई है दिसंबर 2021 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे मैंने 6 महीने सर्व किया है एज अ सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई जुलाई 15 जुलाई एज एन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर। माशाल्लाह। तो मैडम ये स्टार्ट जब आपने मतलब लिया था, फिर वही तालीमी कैरियर पे मैं आऊँगा कि आप टीचर से फिर ये मतलब इस PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट इसमें। तो रूटीन आपकी क्या, मतलब आप घर को टाइम देती थी, खाना किस वक्त खाती थी, और कोई, मैं उसी सवाल की तरफ आऊँ, सोशल लाइफ कैसी थी, मतलब सिर्फ पढ़ाई? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ये बात कहूँ तो जिस टाइम मैं ये एग्ज़ाम दे रही थी 2018 की बात है, मेरे स्टूडेंट्स को भी पता होगा, मेरी रूटीन ऐसी थी कि मैं
उस टाइम दो कॉलेजेस में पढ़ाती थी। मॉर्निंग में मैं हदफ कॉलेज में पढ़ाती थी 8 से 12 बजे तक। ओके ओके, चार लेक्चर्स मेरे वहाँ पे होते थे। 12:40 मेरी क्लास होती थी एडवर्ड्स कॉलेज में। 12:40 में पहुंच जाती थी कॉलेज, 4 बजे तक मेरी वहाँ पे इवनिंग में क्लासेस होती थी। उसके बाद फिर से मैं जाती थी एकेडमीज। ओके, पेशावर में ऑलमोस्ट आपको जितनी एकेडमीज नजर आएंगी इन सब में मैंने सर्व किया है। और ईटा क्लासेस में पढ़ाती थी, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाती थी वहाँ पे बच्चों को। और साथ साथ अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स मैं एमफिल भी कर रही थी केमिस्ट्री में। अच्छा, तो मेरे लिए मैनेज करना हिम्मत की बात है, इम्पॉसिबल था। मैं सुबह 8 बजे से पहले निकलती थी और मैं रात को 9 बजे घर वापस आती थी। तो उसमें टाइम निकालना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं ये इस चीज़ पर मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप एक चीज़ को दिल से या मेहनत से करते हैं, चाहे वो आपकी जो भी जॉब हो, जैसे कि मेरी अपनी जॉब जो टीचिंग थी, मैं उसके साथ बड़ी सिंसियर रही। मैंने कभी किसी बच्चे का टाइम ज़ाया नहीं किया, मैं हमेशा एंड तक जाती थी, कोर्स कंप्लीट करती थी। फिर इसके अलावा अगर किसी बच्चे को क्लास में समझ नहीं भी आती थी, मैं साइड पर बैठ के उसको अलग से पढ़ाती थी, मैं टाइम देती थी। तो एक चीज़ के साथ जब आप सिंसियर रहते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, तो अल्लाह ताला वो आपको हर वो चीज़ देता है जो आपके दिल में ख्वाहिश होती है। तो मेरी ख्वाहिश थी बहुत शुरू से कि मैं CSS क्वालिफाई कर लूँ। लेकिन जिस तरह सर मैंने आपको बताया, मेरी रूटीन ऐसी थी कि उसमें मैनेज करना टाइम बड़ा मुश्किल था। तो मैं अप्लाई कर लेती थी CSS के लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम आता था तो मैं पीछे हट जाती थी। मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं अपीयर नहीं हो सकती। आपको अल्लाह ताला ने एक जो टारगेट आपने किया था फिक्स अपने माइंड में, अल्लाह ताला ने आपको वो अचीव किया है। और दूसरा ये कि अभी इस वक्त जो कुछ मेल या फीमेल टीचर्स भी अगर हमें देख रही हैं, तो उनके लिए भी ये एक मिसाल है। वो जिस तरह ये कह रही हैं कि बच्चे के साथ टीचिंग प्रोफेशन एग्जैक्टली ऐसा होता है कि इसमें हर टाइम लर्निंग होती है। बिल्कुल, और जब आप खुद लर्न कर लेते हैं तो आपके पास काफ़ी नॉलेज है। मैडम, आप मुझसे बेहतर जानती होंगी, माशाल्लाह बीइंग अ टीचर, और टीचर की तो हम दिल से वैसे भी कदर करते हैं कि इल्म तो ऐसी चीज़ है कि जितना आप फैलाओगे उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा। exactly. ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। एनी हाउ, अभी जो है इस वक्त क्या रूटीन है? वही रूटीन है जिस तरह पहले थी या नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा सा आराम मिला है। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं और ज़्यादा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आना, यहाँ पे हर टाइम काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो टीचिंग प्रोफेशन से मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई हूँ। मैंने पढ़ाई भी तो लर्न कर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो पढ़ती होंगी। टोटली डिफरेंट फील्ड है, लेकिन लर्निंग मतलब मेरा, मैं हॉबीज की तरफ आ रहा हूँ कि कुछ हैं ऐसे हॉबीज हैं। फारिग टाइम पे क्या करती हैं आप? मतलब कुछ कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बेकिंग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, शौक है इन चीज़ों की तरफ मेरे। ठीक, तो इसका टाइम मिल जाता है इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए? कोरोना में बहुत की थी, कोरोना में की थी जब छोटी थी। मैम, आर यू मैरिड? नहीं जी, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, सिंगल है, ठीक। वरना मैं, ये मेरा सवाल था कि आप मतलब अब बच्चों को या घर वालों को कैसे टाइम देती हैं, और मतलब प्रोफेशनल इसमें कैसे, ये मेरा अक्सर क्वेश्चन होता है। खैर, एनी हाउ, एक और चीज़ मैडम मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और जिस मज़हब से हैं, उसमें जो औरत को मकाम दिया गया शायद किसी और मज़हब को नहीं दिया गया, लेकिन हमारी बास खवातीन, सब नहीं, हमारी बास खवातीन इसका नाजायज़ आई थिंक फ़ायदा उठाती हैं। जिस तरह औरत मार्च या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मतलब बीइंग अ फीमेल, तो सिर्फ एक दो जुमलों में थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या मतलब, आप समझ गई होंगी मेरा क्वेश्चन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने बात की है, इस्लाम जिस तरह जो मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है, वो शायद किसी मज़हब, ठीक है। हमारी अगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हम जो है वो सामने रखें, तो उनकी जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा, वो एक जो थी वो बिजनेस भी करती थी, बिजनेस वुमन भी exactly. थी। इसी तरह से उन्होंने साथ साथ जो है वो इस्लाम के दायरे में रहकर सब कुछ किया है। मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, इन द सेंस जो उनके जायज़ हुकूक हैं उसके लिए बिल्कुल वो प्रोटेस्ट भी कर सकती हैं, वो आगे भी आ सकती हैं, लेकिन उसमें उन चीज़ों को पोर्ट्रे ना किया जाए जो एंटी इस्लामिक हो। एग्जैक्टली तो मैं ये चीज़ इसके थोड़ी सी मैं अगेंस्ट हूँ। जो जायज़ हुकूक हैं इस्लाम ने वो ऑलरेडी फीमेल को दिए हैं। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर देखें, चले मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि आपको वालदैन ने जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाने की इजाज़त दी है, तो आपने अपने एक दायरा एक हद, चाहे वो शरीयत की तरफ से हो, चाहे अपने वालदैन या हस्बैंड या व्हाटएवर जिसकी तरफ से भी हो, आपने उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा है। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो आप इस वक्त इस सीट पर बैठी हैं, अल्लाह ताला आपको और भी कामयाब करे, और आप जैसी जो रिस्पेक्टेबल ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उनको और भी मतलब अपना वो जो टारगेट उन्होंने जिस मंजिल की तरफ वो रवा दवा हैं, अल्लाह
ताला उनको कामयाब करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं मैडम, आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। और लास्ट में मैडम, एक तो मेरा जो प्रोग्राम है ये औरत हो तो क्या होगा, सिर्फ एक जुमले में बताइएगा कि मैंने ये जो एक स्टेप लिया है कि फीमेल्स वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये कैसा स्टेप है, ये मैंने कैसा प्रोग्राम मैंने किया, इसका थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और ये हमारे माशरे की उन ख़वातीन के लिए एक मिसाल है, एक एग्ज़ाम्पल है, जो कि डरती हैं, हिचकिचाती हैं वो आगे आने से, उनके उनकी एक बाउंड्रीज हैं जिससे वो नहीं निकल सकती। तो उन फीमेल के लिए ये एक लाइक वो एक आप बता सकते जी, हैं कि इंस्पिरेशन है उनके लिए, इससे वो जो है वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकती हैं। आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए, और जितनी भी फीमेल हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अच्छे मुकाम पे रखा है, आप बिल्कुल उनको जो है वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने लाएं, ताकि उनके लिए जो है वो एक एग्जांपल सेट हो जाए, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में आगे जा सके। ठीक है मैडम, लास्ट में जो हमारी खवातीन अगर इस साइड पर आना चाह रही हैं, पीएमएस या मतलब जो भी, एक थोड़ा सा शॉर्ट बता दीजिए उनका थोड़ा सा कैसे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहूँगी कि बहुत ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इंसान के अपने माइंड पे, अपनी विल पे, कि आपकी विल कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी लगन है। जितना आप शौक से अपने एम को हासिल करने के अपने लिए एक टारगेट सेट करें और उस पर काम करें, तो इंशाल्लाह एक चीज़ जब आप सेट कर देते हैं और उस पर आप मेहनत शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए तमाम रास्ते खोल देता है। बेशक, तो बहुत इजी है, कर सकते हैं आप, सब लोग कर सकते हैं। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी बिजी लाइफ के साथ क्वालिफाई कर लिया, तो मेरे ख्याल से सब कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें इंशाल्लाह। माशाल्लाह मैडम, थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती टाइम से इतना ज़्यादा टाइम मुझे दिया, हालांकि आपने छापे भी मारने होंगे जाके, अभी लोगों को भी पकड़ना होगा। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स, मेरे ख्याल में मैडम ने जो कुछ बयान कर दिया है, इसके बाद मेरा बोलने की तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अगले प्रोग्राम में एक और बाहिम्मत खातून के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए महफूज हुसैन सिद्दीकी की तरफ से अल्लाह ने की पाए।